हेलो फ्रेंड, तो मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मेरे पास एलन ब्रैडली कंपनी की है, जिसका कि मॉडल पावर फ्लेक्स 40 है। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि इस ड्राइव को जो स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर वायरिंग कैसे करते हैं, और सेकेंडली इस ड्राइव को फ्रीक्वेंसी रेफरेंस देने के लिए एक्सटर्नल टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर जो है कैसे कनेक्ट करते हैं, और उनके लिए कौन कौन से जो पैरामीटर इसके प्रोग्राम में फीड करते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इस ड्राइव के पावर और कंट्रोल टर्मिनल के बारे में जानकारी देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिन टर्मिनल के ऊपर L1, L2 और L3 लिखा हुआ है, इन टर्मिनल के ऊपर हम लोग जो ड्राइव को इनपुट पावर सप्लाई जो कि 3 फेज 415 वोल्ट है, वो कनेक्ट करते हैं। ये जो टर्मिनल जिनके ऊपर U, V और W लिखा हुआ, इन टर्मिनल के ऊपर हमारे को ड्राइव की आउटपुट मिलती है। इस ड्राइव की आउटपुट के ऊपर हमने ये देखिए 3 कोर केबल के थ्रू ये 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है कनेक्ट की हुई है। ये जो टर्मिनल जो आप देख रहे हैं, ये जो कंट्रोल टर्मिनल है ड्राइव के ऊपर, इन टर्मिनल के ऊपर आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि इन टर्मिनल के ऊपर स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए हम लोग जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन कैसे कनेक्ट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए पोटेंशियोमीटर जो है कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं साइड पे, ये 2 नंबर ऑफ डिप स्विच है। ये जो नीचे वाला फर्स्ट डिप स्विच है, ये सिंक और सोर्स की सिलेक्शन के लिए। ये ऊपर वाला जो डिप स्विच है, ये एनालॉग जो रेफरेंस है उसकी सिलेक्शन के लिए है। तो ये जो टर्मिनल, ये 3 नंबर ऑफ टर्मिनल, ये जो मल्टी फंक्शन रिले के जो टर्मिनल्स है। अभी हम लोग जो ड्राइव को जो प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम की जो लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है कि स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे। तो ये लिस्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जो ड्राइव है एलन ब्रैडली कंपनी की है, जिसका कि मॉडल पावर फ्लेक्स 40 है। तो आज हम लोग जो पैरामीटर सेटिंग करेंगे कौन से लिए, पहले तो करेंगे 3 वायर कंट्रोल जो कि स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए जो पैरामीटर सेट करेंगे। फिर सेकेंडली जो स्पीड रेफरेंस जो कि हम लोग पोटेंशियोमीटर से देंगे, उसके लिए पैरामीटर जो है सेट करेंगे। इसके लिए हम लोग जो प्रोग्राम में जाएंगे, और प्रोग्राम में एंटर करने के बाद जो पैरामीटर पी ग्रुप का जो होगा P036, ये जो P036 है स्टार्ट सोर्स कमांड के लिए पैरामीटर है। इसमें भी ऐसे ये देखिए ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन है, 0 होगा तो की पैड से एक्टिव करने के लिए, 1 करेंगे 3 वायर के लिए, और 2 करेंगे तो 2 वायर के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 वायर कंट्रोल कैसे करते हैं, और उसके लिए P036 में जो मैं ऐसे 1 सेलेक्ट करके बताऊँगा जो कि 3 वायर कंट्रोल के लिए होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग जो सेट करेंगे वो P038 होगा, जो कि स्पीड रेफरेंस के लिए पैरामीटर है। इसमें भी ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप लोग, 0 है तो ड्राइव पॉट के ऊपर एक्टिव होगा, 1 होगा तो ऐसे होगा, और 2 होगा तो ये देखिए 0 से लेके 10 वोल्ट इनपुट के लिए होगा, 3 होगा तो 4 से लेके 20 mA इनपुट के लिए होगगा। तो आज इस P038 में हम लोग जो 2 फीड करेंगे जो कि 0 से लेके 10 वोल्ट इनपुट के लिए होगा। तो अभी हम लोग पैरामीटर सेटिंग करने के लिए ड्राइव के ऊपर चलते हैं। अभी प्रोग्राम करने से पहले ड्राइव की जो इनपुट पावर है वो हम लोग जो ऑन करेंगे, ये देखिए इनपुट पावर के लिए मैंने 3 फेज का जो MCB लगाया हुआ है, इसको अभी मैं ऑन करूँगा। ये देखिए ऑन कर दिया, तो ये ड्राइव रेडी हो गई है। अभी हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एंटर की को ऐसे 1 टाइम एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये डिस्प्ले के ऊपर ग्रुप डी का जो पैरामीटर डिस्प्ले हो रहा है, हमने जो ग्रुप पी में जाना है, इसके लिए हम लोग जो है अप की को ऐसे 1 टाइम जो एंटर करेंगे। देखिए ऐसे अप की को 1 टाइम मैंने प्रेस किया तो ग्रुप पी में आ गया, और ग्रुप पी का P031 पैरामीटर जो डिस्प्ले हो रहा है। अभी सिलेक्शन की एंटर करेंगे ऐसे 1 टाइम, तो देखिए ये 1 जो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग जो है अप की हेल्प से इसको जो है 1 को 6 सेलेक्ट करेंगे। तो
ये देखिए P036 पैरामीटर हमने जो सेलेक्ट कर लिया, अभी हम लोग इसमें एंटर करेंगे और स्टार्ट स्टॉप कमांड की प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए मैंने एंटर किया तो एंटर हो गए। अभी देखिए इसमें जीरो है फीड, फिर एक बार एंटर की एंटर करेंगे। देखिए एंटर की एंटर करते ही प्रोग्राम के नीचे जो इंडिकेशन जो है ऑन हो गई है और जीरो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया, इसके मतलब है पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी एक बार लिस्ट के ऊपर चलते हैं। P036 में हमने कौन सा पैरामीटर जो है सेलेक्ट करना। P036 में हम लोगों ने देखिए पहले जीरो है जो कि कीपैड से एक्टिव है, अभी वन सेलेक्ट करेंगे। वन का मतलब थ्री वायर कंट्रोल के लिए, इसलिए P036 में हम लोग जो है वन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जीरो को वन करेंगे, अप की को ऐसे वन टाइम एंटर किया, देखिए वन सेलेक्ट हो गया। तो अभी इसको सेव करने के लिए एंटर किया, देखिए वन जो है सेव हो चुका है। अभी जो स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए अभी एस्केप की ऐसे वन टाइम प्रेस करेंगे, फिर हम लोग जो P036 पैरामीटर के ऊपर आ गए। अभी एक बार फिर हम लोग जो लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो P036 के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है P038 है। P038 जो स्पीड रेफरेंस के लिए है, तो P038 में हम लोग जो टू सेलेक्ट करेंगे और फीड करेंगे। तो जो देखिए अप की के हेल्प से हम लोग जो सिक्स को एट कर लिए, तो इस प्रकार P038 जो है हमने जो सेलेक्ट कर लिया। और इसमें एंटर करने के लिए हम लोग जो एंटर की ऐसे वन टाइम एंटर करेंगे, इसमें अभी जीरो है, तो फिर एक बार एंटर किया देखिए जी जीरो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया और प्रोग्राम के नीचे इंडिकेशन आ गया। अभी अप की हेल्प से जीरो को हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे अप की को वन टू बाई टाइम ऐसे प्रेस किया तो टू सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव करने के लिए एंटर करेंगे। तो देखिए जी जो है ब्लिंक होना जो स्टॉप हो गया, सेव हो गया। तो अभी हम लोगों ने ऐसे जो प्रोग्रामिंग कर लिया स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए, अभी एस्केप की ऐसे वन टाइम जो प्रेस करके जो मेन ऐसे वन बाय वन प्रेस करते हुए हम लोग जो होम पेज के ऊपर आ गए। अभी जो वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है कि जो हम लोग स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए इन कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर जो है स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाएंगे, उसकी मैंने ड्राइंग प्रिपेयर किया हुआ है। ये देखिए ये मेरे पास स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। इसको हम लोग जो अभी कनेक्ट करेंगे कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर, उसके लिए ये ड्राइंग है। थ्री वायर जिसको कि पल्स कंट्रोल भी कहते हैं उसके कनेक्शन के लिए है, जो कि स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जैसे देख रहे हैं ये वन नंबर टर्मिनल, टू नंबर और 11 नंबर टर्मिनल है। 11 नंबर के ऊपर हमारे को पॉजिटिव 24 वोल्ट मिलता है। ये तीनों टर्मिनल जो है कंट्रोल टर्मिनल जो कि ड्राइव के ऊपर है। तो हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट पुश बटन है उसके ऊपर एक NO एलिमेंट जो फिक्स करेंगे, उसके बाद स्टॉप के ऊपर जो है पुश बटन के ऊपर NC एलिमेंट हम लोग जो फिक्स करेंगे। फिर हम लोग जो पॉजिटिव 24 वोल्ट होगा जो 11 नंबर टर्मिनल से एक वायर के थ्रू लेंगे, जिसको कि NO एलिमेंट जो स्टार्ट पुश बटन का उसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। फिर वहीं से एक वायर जो लूप करके हम लोग जो है टॉप पुश बटन के ऊपर जो NC एलिमेंट लगा उसकी एक साइड जो है कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार एक साइड जो है हमने कंप्लीट करेंगे। फिर जो है स्टार्ट पुश बटन के NO एलिमेंट की जो आउटपुट होगी उसको टू नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे, और जो स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट की जो आउटपुट होगी उसको हम लोग जो है ड्राइव के ऊपर एक नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग जो वायरिंग करेंगे, देखिए स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए हम लोग जो है अभी जैसे कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव 24 वोल्ट जो यूज़ कर रहे हैं। तो एक ख़ास बात ध्यान रखने वाली है कि यदि हम लोग ये यूज़ करेंगे तो इफ़ वी यूज़ पॉजिटिव 24 वोल्ट फॉर स्टार्ट स्टॉप कनेक्शन, देन क्या करेंगे सेलेक्ट द डिप स्विच टू वर्ड द SRC। SRC का मतलब सोर्स की तरफ है। पहले अभी हम लोग ड्राइव के ऊपर चलते हैं और जो डिप स्विच है उसको SRC की तरफ जो है सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये जो डिप स्विच है अभी जो है सिंक की तरफ इसकी सिलेक्शन है। तो लाइन टेस्टर की हेल्प से हम लोग इसको जो SRC मतलब सोर्स की तरफ जो है सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसको डाउनवर्ड मैंने ऐसे पुश किया,
तो जी प्रेस किया तो देखिए जी एसआरसी की तरफ जो है सिलेक्शन हो गई है इसकी। तो अभी हम लोग जो है 01, 02 और 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू जो है 3 वायर कंट्रोल के लिए स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। ये देखिए स्टार्ट पुश बटन है या स्टॉप पुश बटन है, इनके ऊपर ये देखिए एलिमेंट लगे हुए। ये स्टार्ट पुश बटन के ऊपर जो NO एलिमेंट लगा हुआ है और स्टॉप पुश बटन के ऊपर NC एलिमेंट लगा हुआ है। ये देखिए रेड कलर वायर के थ्रू मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट जो 11 नंबर टर्मिनल से लिया और NO एलिमेंट की एक साइड कनेक्ट किया और वहीं से एक वायर लूप करके जो NC एलिमेंट के ऊपर जो है कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू ये इस प्रकार ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू हमने जो ये देखिए NO एलिमेंट की एक साइड कनेक्ट किया फिर NC एलिमेंट की एक साइड जो है कनेक्ट कर दिया। देखिए जैसे फिर स्टार्ट पुश बटन के ऊपर जो NO एलिमेंट लगा उसकी आउटपुट को हम लोग ये देखिए ये ग्रीन कलर वायर है इसको हम लोग जो है 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे और फिर स्टॉप पुश बटन के ऊपर जो NC एलिमेंट लगा उसकी आउटपुट को 1 नंबर वायर के टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये NC एलिमेंट है इसकी आउटपुट जो ब्लू कलर वायर है जिसको कि ड्राइव के ऊपर 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू जो स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए ये पुश बटन जो है कनेक्ट कर लिए। तो अभी वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल के ऊपर हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर है ये 10 टर्न्स का जो पोटेंशियोमीटर है तो इसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए कनेक्ट करेंगे। तो देखिए स्पीड रेफरेंस के लिए जो हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर जो कनेक्ट करेंगे 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर टर्मिनल के ऊपर। ये जो टर्मिनल है ड्राइव के ऊपर कंट्रोल टर्मिनल है। 14 नंबर टर्मिनल देखिए ये पोटेंशियोमीटर है मेरे पास 10 टर्न्स का। ये पोटेंशियोमीटर का जो देखिए वायर है ये रेड कलर वायर के ऊपर पॉजिटिव 10 वोल्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे और जो सेंटर वाली ब्लैक वायर है इसके ऊपर 14 नंबर जो है कनेक्ट करेंगे 14 नंबर से 0 और इस पोटेंशियोमीटर की जो आउटपुट होगी जो वेरिएबल होगी जो कि 13 नंबर टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये ग्रीन कलर वायर इस पोटेंशियोमीटर की जो है आउटपुट है। तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू हम लोग जो है इस पोटेंशियोमीटर को जो ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल है 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है मेरे पास इसकी जो आउटपुट है वो ग्रीन कलर वायर है। तो देखिए ड्राइव के जो इन कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर हमने ये पोटेंशियोमीटर जो है कनेक्ट कर लिया। ये जो पोटेंशियोमीटर से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस देंगे। अभी एक और बात ध्यान रखने वाली है ये जो डिप स्विच है इसकी जो सिलेक्शन है हम लोग जो 0 से लेकर 10 वोल्ट की तरफ अभी करेंगे। देखिए लाइन टेस्ट की हेल्प से हमने जो है 0 से 10 वोल्ट की तरफ जो डिप स्विच की जो सिलेक्शन कर ली है। अभी देखिए ये स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए और ये फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के लिए पोटेंशियोमीटर हमने जो कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग जो है देखिए अभी स्टार्ट कमांड देंगे। देखिए मैंने स्टार्ट कमांड दिया तो ये ड्राइव के ऊपर जो रन की कमांड आ गई है। अभी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस नहीं दिया इसलिए 0-0 है। तो अभी ये देखिए हम लोग पोटेंशियोमीटर से ऐसे फ्रीक्वेंसी रेफरेंस धीरे धीरे देंगे तो ये देखिए हमारी जो मोटर है स्पीड पिकअप करेगी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी रेफरेंस जो है जैसे इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा तो हमारा जो मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेशन में अभी जो रन हो रही है और हमने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है वो 50 हर्ट्ज फीड किया हुआ है। तो 50 हर्ट्ज के ऊपर एक बार इसको रन करेंगे। पोटेंशियोमीटर को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करके हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है 50 हर्ट्ज जो है सिलेक्ट कर लिया है और हमारी मोटर जो फुल RPM के ऊपर 50 हर्ट्ज के ऊपर अभी रन हो रही है। तो यदि आप इसको कम करना चाहते हो तो पोटेंशियोमीटर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉप कमांड देता हूँ। देखिए स्टॉप कमांड देते ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और हमारी धीरे धीरे मोटर जो है स्टॉप हो जाएगी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 0-0 होते ही। देखिए 0-0 होते ही हमारी जो मोटर है वो स्टॉप हो गई। फिर एक बार मैं स्टार्ट कमांड देता हूँ। देखिए स्टार्ट कमांड देते ही हमारी जो मोटर है जो हमने फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 50 हर्ट्ज दिया वो उसके ऊपर जो है रन हो रही है। तो
तो इस प्रकार जो है हमारी जो मोटर है वो 50 हर्ट्ज के ऊपर रन हो रही है। तो देखिए इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट स्टॉप से कमांड दे सकते हैं। अभी मैं इसको स्टॉप की कमांड देता हूँ। तो इस प्रकार हम लोग जो इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके।